दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। सीएचसी गोपालपुर में कोरोना टेस्ट के लिए 10 लोगों के लिए सैंपल, बाहरी राज्यों से आए 7 लोगों की जांच। हमीरपुर में कांग्रेस ने घेरी प्रदेश सरकार, हाईकोर्ट के जज से करवाई जाए स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी की जांच। प्रसिद्ध पिपलू मेला कोरोना की भेंट चढ़ा, सिर्फ झंडा रस्म अदा कर प्रसन्न किए देवता। अब नहीं दिखी बसों में सबसे पहले चढ़ने की होड़, रोहड़ू से चामुंडा के लिए निकली पहली बस। सुजानपुर में पूजा कर चलवाई पहली बस, टायर के नीचे नारियल फोड़ा, फिर भगवान की वंदना करते हुए स्टार्ट करवाई गाड़ी। और अब समाचार विस्तार से। जिला कांगड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर में सोमवार को 10 लोगों के कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए। इनमें 3 लोग सीएचसी गोपालपुर स्टाफ के हैं, वहीं 5 सैंपल भोपाल से आए हुए लोगों के हैं। इसके अलावा 1 विशाखापट्टनम और 1 पुणे से आए व्यक्ति के सैंपल हैं। बीएमओ डॉक्टर सुभाष शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सैंपल लेने का काम डॉक्टर निर्भय, डॉक्टर सैजल कटोच व अजय कुमार को सौंपा गया था। आज हमने यहाँ पर गोपालपुर में 10 सैंपल लिए, जिनमें से 5 एक ही परिवार के थे। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है कि वो भोपाल से आए हैं, और बाकी हमने जो हमारा स्टाफ है जिनका डेली एक्सपोजर हो रहा है, और 2 हमारे जो एडजॉइनिंग एक होटल है विस्परिंग पाइंस, वहाँ भाई ये आए हैं लड़के, वहाँ स्टे किए थे, उनके भी सैंपल लिए जो भी आउट ऑफ स्टेट, एक पुणे से थे और दूसरे विशाखापट्टनम से आए हैं। इन 10 के सैंपलिंग लिए आज। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बलविंदर भाई, तू अपनी गाय को क्या खिला रहा है? असीस फीड के बारे में सुना है? नहीं तो। गाय को असीस फीड देने से दूध की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ती है, रातों रात नहीं पर सालों साल गाय बेहतर दूध देती है और स्वस्थ भी रहती है। असीस फीड के ये पदार्थ उल्ली जहर का विनाश करते हैं। पापा, जैसा बोगे वैसा पाओगे। असीस फीड से बेहतर दूध, बेहतर स्वाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमीरपुर जिला के कांग्रेसी नेताओं ने सोमवार को कथित स्वास्थ्य घोटाले को लेकर प्रदेश सरकार को घेर दिया। इस दौरान उन्होंने डीसी हमीरपुर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश से करवाने की मांग उठाई। जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार की अगुवाई में ये कांग्रेसी नेता डीसी ऑफिस पहुंचे। उधर कांग्रेस विधायक सुजानपुर राजेंद्र राणा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पीछे प्रेसिडेंट बीजेपी ने रिजाइन किया था करप्शन चार्जेस के बाद, उनके खिलाफ करप्शन चार्जेस के लिए जो उन्होंने रिजाइन किया था, एक तो उसके बारे में हम गवर्नर को ये मेमोरेंडम दे रहे हैं डिप्टी कमिश्नर के थ्रू कि वो ये गवर्नर तक पहुंचाएं। एक तो उसमें हमने रिक्वेस्ट की है कि इसकी इंक्वायरी, क्योंकि इस वक्त मुख्यमंत्री के पास ही हेल्थ डिपार्टमेंट है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्लियामेंट लेवल पे जो है ये मेमोरेंडम जो है डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से गवर्नर साहब को भेजा है, और आज हमीरपुर पार्लियामेंट जो है इसके सीनियर ऑफिस बीरर जो है पार्टी के, उन्होंने आज डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से गवर्नर साहब को मेमोरेंडम भेजा है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने डिमांड करी है कि ये जो कोविड-19 में हेल्थ डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार हुआ है और इसके पुख्ता सबूत हैं, उसकी जो है जांच जहां विजिलेंस कर रही है। मुझे लग रहा है कि सरकार जो है वो विजिलेंस विभाग जो है सरकार के अधीन है और बिजिलेंस को जो है सरकार इन्फ्लुएंस कर रही है, तो इसलिए पार्टी ने जो है सिटिंग जज हाई कोर्ट के उससे सिटिंग जज से हाई कोर्ट के। ऊना जिला के उपमंडल बंगाणा का प्रसिद्ध पिपलू मेला कोरोना की भेंट चढ़ गया। नरसिंह नारायण मंदिर पिपलू कमेटी के अध्यक्ष और स्थानीय पंचायत प्रधान की अध्यक्षता में मेले में सिर्फ झंडा रस्म अदा की गई। इस दौरान ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूर्ण आहुति डालकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। पिपलू का मेला बड़ी धूमधाम से जो है वो मनाया जाता है। यहाँ पर जो ऐतिहासिक जानकारी है, ये 300 वर्ष पुराना मेला है
लेकिन इस कोरोना वैश्विक महामारी के कारण शायद पूर्व में ऐसा कभी ऐसा समय रहा हो। ये मेला जो है वो इस पर रुका है, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप से जो है वो विधिवत जो है वो पूजा हुई। रोडू न्यू बस स्टैंड पर सोमवार को बसों की आवाजाही से रौनक लौट आई। हालांकि पहले की तरह लोगों में बसों की ओर भागने और सीट संभालने की होड़ नजर नहीं आई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बस में चढ़े। यहां से सबसे पहले लॉन्ग रूट की बस चामुंडा के लिए रवाना हुई। इसमें 15 से 20 लोग सवार थे। वहीं पहला लोकल रूट पुजारली चेवड़ी रहा। अड्डा प्रभारी उत्तम सिंह ठाकुर ने बताया कि वर्कशॉप से सभी बसें सैनिटाइज होकर आ रही हैं। अड्डा प्रभारी उत्तम ठाकुर बोल रहा हूँ मैं। आज जो हमने सुबह लोकल रूट भेजे है, पहली बस हमारी एक पुजारली से हो गई है, एक नारकंडा और शेखर रंटाड़ी खरोट कुटाड़ा सेव चेबड़ी बसें गई है हमारी, और ये हमने सारी बसें सैनिटाइजर करके भेजी है। और 9 बजे हमारी बसें जा रही हैं डोर कोटी हुई, सुहाना है, बछरा है, कलगांव है, सरोग है, बागी बटवाड़ी अस्तानी मुनछाड़ा छुपाड़ी, ये बसें हमारी सब चले गई है। करीब 2.5 महीने बाद परिवहन सेवा हमीरपुर जिला के सुजानपुर उपमंडल में विधिवत शुरू की गई। सुजानपुर बस स्टैंड पर टायर के नीचे नारियल फोड़कर बस सुविधा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान स्थानीय दुकानदारों ने निगम के चालकों और परिचालकों के साथ विशेष पूजा भी की। इसके बाद भक्ति वंदना के साथ बस को स्टार्ट करवाया गया।